सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज दीपक एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट इज एच एच डी एंड वॉट इज एस एस डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉट इज एच एच डी। एच एच डी का फुल नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर्स और लैपटॉप में इसका यूज सॉफ्टवेयर और फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है। कि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, यदि आपका कंप्यूटर काम करते करते यदि बंद हो जाता है तो ये आपके फाइल्स को परमानेंटली सेव करके रखता है, ताकि आप दोबारा कंप्यूटर को चेक करेंगे तो आपका फाइल सेव हुआ मिलेगा। हार्ड डिस्क को 1956 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स द्वारा यानी कि IBM द्वारा बनाया गया। हार्ड डिस्क के अंदर एक मूवमेंट पार्ट लगा रहता है जिसका नाम है प्लेटर, और उसके ऊपर एक नीडल होता है जो डाटा को रीड एंड राइट करता रहता है। हार्ड डिस्क का प्लेटर जितना फास्ट घूमेगा उतनी ही कंप्यूटर की अच्छी परफॉर्मेंस होगी। यदि हार्ड डिस्क का प्लेटर यदि स्लो काम करेगा तो आपका जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स है वो बिल्कुल स्लो काम करे। हार्ड डिस्क ड्राइव दो तरह के होते हैं, पहला एक होता है साटा ड्राइव और दूसरा एक होता है पाटा ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव फाइल को 50 MBPS से लेकर के 150 MBPS तक ही कॉपी कर सकता है। सो नाउ चलिए हम बात करते हैं कि SSD क्या होता है। SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह भी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में सॉफ्टवेयर और फाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह भी एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। इट मीन्स दैट यदि आपका कंप्यूटर काम करते करते अचानक से बंद हो जाता है तो ये आपके फाइल को परमानेंट सेव कर लेता है, और जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये आपको फाइल सेव किया हुआ मिलेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे अपने डाटा और फाइल्स को प्लॉटर में सेव करके रखता है, सेम वैसे SSD भी अपने डाटा और फाइल्स को माइक्रोचिप में सेव करके रखता है। SSD भी एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आप अपने डाटा और फाइल्स को पेन ड्राइव या SSD में सेव करके रखते हैं, सेम वैसे ही ये भी सारे फाइल्स और डाटा को माइक्रोचिप में सेव करके रखता है। तो चलिए बात करते हैं इनके स्पीड के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले SSD की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, और हार्ड डिस्क के मुकाबले SSD की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट फाइल्स को कॉपी करते हैं। ऐसे ही अपने फाइल्स को 200 MBPS टू 500 MBPS तक कॉपी कर सकता है। हार्ड डिस्क में एक मूविंग पार्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है प्लॉटर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। बट SSD में ऐसा कोई भी मूविंग पार्ट देखने को नहीं मिलता है, और इससे ज़्यादा शोर भी नहीं होता है। अगर आपका बजट कम है और एक आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर की तरफ जा सकते हैं। बट इसमें आपको एक दिक्कत है कि इसमें ज़्यादा आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आप अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आसानी से यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि प्रीमियम प्रो हो गया और या एडिटिंग टूल्स जो होते हैं, यदि आप उन सब सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हो तो आप SSD की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क के मुकाबले SSD की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बट SSD की एक खास बात होती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। हार्ड डिस्क के मुकाबले SSD की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके मुकाबले SSD की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। SSD वाले कंप्यूटर्स में बूटअप और रीस्टार्ट बहुत फास्ट देखने को मिलता है। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है। SSD भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है साटा SSD, दूसरा है M SSD, तीसरा है M2 SSD, और चौथा होता है SSHD। सो गाइस, यदि आप नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेना सोच रहे हैं तो SSD वाले ही कंप्यूटर या लैपटॉप लें, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप हैवी स्किल्स यूज़ करना चाहते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग टूल प्रीमियर प्रो और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, हैवी सॉफ्टवेयर हैं, यदि आपको यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि SSD वाला कंप्यूटर ही लें। ये थोड़ा महंगे होते हैं, लेकिन आपको स्पीड में बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। यदि आपका बजट कम है ठीक ठाक, या कंप्यूटर को आप ठीक ठाक यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है, तो आप हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर्स ले सकते हैं। आशा है आपको हार्ड डिस्क और SSD के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।